सनातन धर्म के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनेक धाम धरा है जिसे संवारने की जरूरत है। संसदीय सचिव और विधायक कुंवर सिंह निषाद नर्मदा मैया समिति की बैठक लेने नर्मदा धाम सुसुली पहुंचे और समिति की बैठक ली। माघी पुन्नी मेला की तैयारी, नर्मदा मैया मंदिर नवनिर्माण तथा नर्मदा धाम के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य चंद्रप्रभा सुधाकर, जनपद अध्यक्ष जागृत सोनकर, सरपंच एनी साहू, सरपंच खेमिन ढाले उपस्थित थे। लंबे समय से नर्मदा धाम को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास आसपास के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं द्वारा किया जा रहा है। इसी संबंध में संसदीय सचिव गुंडरदेव, विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह निषाद को ज्ञापन सौंप कर मांग किया गया कि जल्द से जल्द इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार सनातन धर्म, लोक संस्कृति, पुरातन धरोहर और भारतीय संस्कृति को सहेजने संवारने का काम कर विकास की गंगा बहा रहा है। हमारा विधानसभा क्षेत्र भी निश्चित तौर पर विकास की शिखर को छुएगा। आप सबका आशीर्वाद बना है और बना रहेगा तो हम छत्तीसगढ़ को विश्व पटल में एक नई पहचान देंगे। नर्मदा मैया प्रांगण सुसुली धाम में मेला आयोजन के संबंध में लेकर पूरे समिति के सदस्यों के साथ एक सामूहिक चर्चा हुई है। मेला के आयोजन के संबंध में शासन के निर्देश के अनुसार गाइडलाइन का पालन करते हुए हम आयोजन कैसे कर सकें, उसी में एक सामान्य परिचर्चा और चर्चा हुई है। हम इसके स्वरूप को लेकर अभी शासन से भी और कुछ दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे, उसके बाद इस मेले के भव्यता की ओर भी कार्यक्रम को कैसे संपन्न किया जाए उसकी ओर हम लोग अग्रसित होंगे। समाचार के न्यू अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करें।